दोस्तों पूरा हिंदुस्तान फिलहाल केसरी के रंग में रंगा हुआ है। जो भी बॉलीवुड प्रेमी है उसके लिए केसरी काफ़ी बड़ी फिल्म है और जब केसरी का कल प्रीव्यू रखा गया उसके बाद में फिल्म का धमाकेदार प्रदर्शन और पब्लिक द्वारा रिएक्शन देखने को मिला। हालांकि पब्लिक तो फिल्म के ट्रेलर से ही या फिर कहें उससे पहले ही केसरी के प्रति अपना प्रेम दिखा ही चुकी है और फिल्म का बाजार काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है। फिल्म के प्रीव्यू के बाद में क्रिटिक्स ने फिल्म की जमकर तारीफ की। बड़े बड़े क्रिटिक्स ने फिल्म को 4 और 4.5 स्टार स्टार से नवाजा। अक्षय कुमार का हिट का क्रम अब जारी रहा। दोस्तों आपको बता दें क्रिटिक्स के अलावा सेलिब्रिटीज ने भी फिल्म पर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिए। इसमें से एक नाम आता है शाहरुख खान का। दोस्तों आपको बता दें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहरुख खान से फिल्म केसरी के बारे में पूछा गया। शाहरुख खान ने कहा कि अक्षय की हर फिल्म आजकल कुछ हटके ही होती है, केसरी के लिए भी मैं इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी। और उसके बाद शाहरुख खान से उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में पूछा गया। शाहरुख खान ने फिलहाल कोई भी फिल्म का नाम सामने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं जब भी कोई फिल्म करूंगा आपके सामने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों केसरी का बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है। शाहरुख खान के अलावा अजय देवगन जैसे सितारों ने भी फिल्म को काफी बेहतरीन बताया है और भी कई सितारों ने जैसे वरुण धवन, अर्जुन कपूर जैसे समेत कई सितारों ने फिल्म की सराहना की है। तो दोस्तों शाहरुख खान ने खुद की फिल्म का नाम तो नहीं बताया कि वे कौन सी फिल्म से वापसी करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने केसरी की तारीफ करके ये बतला दिया है कि अक्षय कुमार बॉलीवुड पे अब राज कर रहे हैं। तो आपको ये किंग खान का रिएक्शन फिल्म केसरी पर कैसा लगा और कल आप क्या इस फिल्म को देखने जा रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि बॉलीवुड की आने वाली खबर आप तक पहुंचे और वीडियो पर लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक के लिए।